दिल्ली में एयरपोर्ट से ट्रॉली में लाद कर ले जा रहे थे एयर इंडिया के कमांड हवाई जहाज को। जहाज की वजह से जिंद रोहतक हवाई पर जाम लग गया, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं हवाई जहाज देखने वालों की भीड़ कम नहीं थी, लोगों में सेल्फी का जबरदस्त क्रेज दिखाई दिया। हवाई जहाज को दिल्ली से लुधियाना ले जाया जा रहा था, फिलहाल कुछ समय के लिए जिंद में रखा गया है। 55 घंटे के सफर में ये दिल्ली से जिंद तक 125 किलोमीटर ही पहुंच सका है। ट्रॉली के चालक शादाब ने बताया कि मंगलवार सुबह को ट्रॉली में हवाई जहाज को दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर चले थे। स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए खरीदा है हवाई जहाज खरीदने वाले जोगिंदर सहबाग ने बताया कि काफी दिन पहले एयर इंडिया के विमान इस विमान को बोइंग 737 को खरीदा गया था। हवाई जहाज को ले जाने के लिए जो जरूरी परमिशन चाहिए थी वो पहले ली गई, के बाद इसे ट्रांसपोर्ट से यहाँ तक लाया गया। उन्होंने बताया कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने के लिए इसे खरीदा गया है। कुछ दिन तक इसे जिंद रखा जाएगा, उसके बाद इसे एक स्थानीय के पास लुधियाना भेज दिया जाएगा। लोगों ने पहली बार देखा जहाज इतने करीब से। जहाज को देखने के लिए जिंद के लोगों का मेला उमड़ गया। सीढ़ी लगाकर लड़के लड़कियां इस पर चढ़े और अंदर जाने के बाद खिड़की से मुंह निकालकर बाहर के नज़ारे लेने लगे। लोगों के लिए ये किसी हसीन सपने से कम नहीं था। रोहतक रोड निवास हिमपाल का कहना था कि शायद जिंदगी में जहाज में बैठकर नहीं देख पाते, आज इतने करीब से नहीं बल्कि अंदर जाकर बैठकर देखा है, अच्छा लगा। 60 साल के सुजान सिंह ने बताया कि अब तक जहाज को सिर्फ उड़ते देखा है, मगर आज इसे छूकर देखने का अनुभव बहुत ही अच्छा है और इसे मैं अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। इसी तरह सुनीता देवी की माने तो उन्होंने कई बार दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाकर जहाज देखने का प्लान बनाया मगर नहीं देख सकी। आज ना सिर्फ जहाज में बैठकर देखने का सपना साकार हुआ है बल्कि बच्चों को भी इस जहाज को देखने का उतना ही उत्साह है जितना कि बड़ों को।